हाय देयर, आज आपको MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की थीम नंबर 3 और 4 करवाई जाएगी। थीम नंबर 3 का टाइटल है ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो इसमें सबसे पहले मार्केटिंग के बारे में दिया गया है, मार्केटिंग के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। मार्केटिंग क्या है? इज ऑल अबाउट सर्विंग कस्टमर्स प्रॉफिटेबली, यानी कि कंपनी जो है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करती है और प्रॉफिट भी अर्न करती है, यही मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल की प्लानिंग होती है, जो कि ब्रॉड लेवल के ऊपर की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसको टॉप मैनेजमेंट करती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए डेवलप किया जाता है और मेंटेन किया जाता है स्ट्रेटेजिक फिट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के दरमियान, उसकी कैपेबिलिटीज के दरमियान और जो उसका चेंजिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, क्योंकि मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। सो पर्पस जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का वो ये होता है कि सेट किया जाए ओवरऑल गोल अपने बिजनेस के एंड टू डेवलप अ प्लान, और डेवलप किया जाए प्लान ताकि उनको अचीव किया जा सके। तो पूरे के पूरे बिजनेस के जो ओवरऑल गोल्स होते हैं उसको सेट किया जाता है और एक ऐसा प्लान बनाया जाता है जिसके जरिए उन गोल्स को अचीव किया जाता है। सो पार्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसके हिस्से हैं जिसमें पहला है एनवायरमेंट एनालिसिस, देन द इंटरनल एनालिसिस, देन द विजन मिशन एंड द ऑब्जेक्टिव्स। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि व्हाट सराउंड्स ऑर्गेनाइजेशन और मार्केट, जो कुछ सराउंडिंग है ऑर्गेनाइजेशन के या मार्केट के उसको एनवायरनमेंट कहा जाता है। और एनवायरमेंटल एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर स्टडी किया जाता है एक्टर्स को, फैक्टर्स को, फोर्सेस को, आउटसाइड मार्केटिंग जो होते हैं। और एक्टर के अंदर आ जाते हैं सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह, फैक्टर के अंदर आ जाती है पब्लिक, फोर्सेस के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोर्सेस आ जाती हैं। और टूल्स हैं कई सारे एनवायरमेंटल एनालिसिस के, जैसे कि पेस्टल है, स्टेबल है, और इसके अंदर शामिल है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल वगैरह। नाउ द इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर स्टडी किया जाता है एक्टर्स, फैक्टर्स और फोर्सेस को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। सो इंटरनल एनालिसिस के अंदर उन फैक्टर्स को देखा जाता है जो बिजनेस के अंदर होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस वगैरह। उसके बाद है फिर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि कलेक्शन, जितनी भी प्रोडक्ट्स या सर्विस हैं उन तमाम प्रोडक्ट या सर्विस की कलेक्शन होना जो कि कंपनी ऑफर करती है। सो यूजुअली इन मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर यूजुअली हम फॉलो करते हैं ट्रेंड को कि कौन सी प्रोडक्ट हमारी स्ट्रेंथ है और कौन सी प्रोडक्ट हमारी जो है वो वीकनेस है। सो जो रिजल्ट निकलता है इंटरनल एनालिसिस का वो स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। उसके बाद आया था फिर विजन। विजन क्या है? विजन ख्वाब को भी कहा जाता है। विजन जो है वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है, और विजन जो है वो एक तरह से एक पिक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर का, और ये आउटलाइन करता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी। उसके बाद आ जाता है मिशन। मिशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, और कोर पर्पस जो होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का, उसको मिशन कहा जाएगा। नाउ द बिजनेस पोर्टफोलियो, जैसे कि पोर्टफोलियो ऊपर भी आपको बताया गया था। सो बिजनेस पोर्टफोलियो जो है वो कलेक्शन होता है बिजनेसेस का और प्रोडक्ट का, जो कि मिलके कंपनी को बनाता है। उसके बाद आया था स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एक कंपनी का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके लिए सेपरेट मिशन और ऑब्जेक्टिव होता है, एंड डेट कैन बी प्लान सेपरेटली फ्रॉम अदर बिजनेस, अदर कंपनी बिजनेसेस को, और उसको प्लान किया जा सकता है सेपरेटली कंपनी के दूसरे बिजनेसेस से। ये एक रिलेटिवली ऑटोनोमस किस्म का डिवीजन होता है किसी भी एक बड़ी कंपनी का, जो कि ऑपरेट होता है एक इंडिपेंडेंट इंटरप्राइज के तौर पे। इसी वजह से इसका सेपरेट मिशन होता है और सेपरेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद है BCG मैट्रिक्स टूल। आपके सामने ये जो मौजूद है ये BCG मैट्रिक्स टूल है। सो ये एक ऐसा टूल है जो कि पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्लानिंग टूल होता है और इसमें चार चीज़ें होती हैं, और इसके अंदर जो देखी जाती है चीज़ वो रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट देखा जाता है। और प्रोडक्ट्स को चार किस्म की कैटेगरी में डाला जाता है, चार हिस्सों में बांटा जाता है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग्स में। जो प्रोडक्ट्स स्टार की कैटेगरी में फॉल करती हैं उनका हाई मार्केट शेयर होता है और हाई ग्रोथ रेट होता है, हाई मार्केट ग्रोथ रेट भी होता है। सो हाई रिलेटिव मार्केट शेयर और हाई मार्केट ग्रोथ रेट दोनों जब होगा किसी प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट होगी स्टार में। और ऐसी प्रोडक्ट जिनका मार्केट ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छा होगा लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर लो होगा, वो कहलाई जाएगी क्वेश्चन मार्क। और ऐसी प्रोडक्ट जिसका हाई
रिलेटिव मार्केट शेयर तो होगा, शेयर तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो कैश काउ में जाएगी। और ऐसी प्रोडक्ट जिनकी दोनों ही चीजें जाहिर बात है खराब होंगी, ना तो मार्केट ग्रोथ रेट अच्छा है ना रिलेटिव मार्केट शेयर अच्छा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो प्रोडक्ट्स जाएंगी डॉग्स की कैटेगरी के अंदर। नाउ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, ये एक टूल है जो कि बिजनेस यूज करते हैं ताकि डेवलप कर सकें ग्रोथ स्ट्रेटजी को। यहाँ पे चार तरह की चीजें मौजूद हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। सो जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही उसकी सेल वगैरह बढ़ाई जाती है उसको, तो वो ऐसे सिचुएशन के अंदर मार्केट पेनिट्रेशन कहलाई जाती है। और न्यू प्रोडक्ट्स लाई जाती हैं एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को न्यू मार्केट में लाया जाता है तो वो मार्केट डेवलपमेंट है, और न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में ही लाया जाता है तो वो डाइवर्सिफिकेशन होती है। उसके बाद है वैल्यू चेन। वैल्यू चेन क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है फुल चेन जो है बिजनेस एक्टिविटीज की इन द क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट्स और सर्विस। उसके बाद आता है वैल्यू डिलीवरी चेन, सॉरी वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क के अंदर शामिल होते हैं कंपनी, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और अल्टीमेटली कस्टमर, जो कि एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते हैं ताकि इम्प्रूव कर सकें परफॉर्मेंस जो है वो इंटायर सिस्टम की। उसके बाद आ जाता है मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन असल में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए मार्केट को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, तोड़ा जाता है। कोई भी कंपनी जाहिर बात है ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी मार्केट में जाहिर बात है वो सेल करे प्रोडक्ट्स को, बल्कि वो मार्केट को जो है वो डिवाइड कर देती है, टुकड़ों में बांट देती है। और जो बांटा जाता है वो मुख्तलिफ बायर के ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स के अंदर बांट दिया जाता है मार्केट को उनकी नीड्स के मुताबिक, करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक या फिर बिहेवियर के मुताबिक, और उनको जाहिर बात है सेपरेट प्रोडक्ट्स रिक्वायर होती हैं इस हिसाब से। और जो ग्रुप्स में बांटा जाएगा तो जो ग्रुप होगा उस ग्रुप के जितने भी बायर्स होंगे उन तमाम की जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो तकरीबन सेम होंगी, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी उन बायर्स के अंदर। और फिर उसके बाद जब मार्केट को तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद, डिवाइड करने के बाद मार्केट टारगेटिंग की जाती है। टारगेटिंग के अंदर जाहिर बात है टारगेट किया जाता है। सो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर इवेल्यूएट किया जाता है हर मार्केट की जो सेगमेंट होता है, हर मार्केट का सेगमेंट, उसकी अट्रैक्टिवनेस को इवेल्यूएट किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है और सिलेक्ट किया जाता है एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट को उसके अंदर एंटर होने के लिए। सो जो सेगमेंट्स तोड़े गए थे उन सेगमेंट्स की अट्रैक्टिवनेस को इवेल्यूएट किया जाएगा और एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट को जो है वो उनके अंदर एंटर होने के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। नाउ दी मार्केट पोजिशनिंग। अब पोजिशनिंग क्या है? पोजिशनिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी एबिलिटी जिसके जरिए इन्फ्लुएंस किया जाता है कंज्यूमर के परसेप्शन को किसी भी एक ब्रांड के बारे में या फिर प्रोडक्ट के बारे में रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स। और मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स पहले भी आ चुका है जो कि कॉम्बिनेशन है 4 P's का, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन का। आखिर में है SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस में चार चीजें शामिल है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है। स्ट्रेंथ जो है वो इंटरनल कैपेबिलिटीज होती है, जो भी उसकी अंदरूनी, जो भी उसकी काबिलियत है, जो भी उसके पास मौजूद है वो चीज़ें होती हैं और जो मदद करती है ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सके, वो उसकी स्ट्रेंथ है। और वीकनेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल लिमिटेशंस हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की जाहिर बात है कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन ना हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और फिर यही लिमिटेशन आगे इंटरफेयर करती है जब ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है। और अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से मिलती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि मदद करते हैं उसकी, जाहिर बात है उसके लिए फायदेमंद साबित होती हैं। और थ्रेट्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि चैलेंज करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को और जाहिर बात है उसके लिए खतरा होता है ये। तो ये हुआ लेसन, तो सॉरी ये हुई थीम नंबर 3 कंप्लीट। नाउ दी थीम नंबर 4, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो कस्टमर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सी है, जितने भी 5 C's होते हैं मार्केटिंग के अंदर। 5 C कौन कौन से होते हैं? कंपनी, कोलेबोरेटर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स और कॉन्टैक्ट्स।
इन पांच चीज में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कस्टमर होता है। कस्टमर के बारे में आपको पहले भी बताया गया था कि कस्टमर जो है वो किंग होता है मार्केटिंग के अंदर। सो जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो कस्टमर के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। सो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है कि वो डेवलप करें लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के दरमियान। यानी कि जो हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल किस्म की सोच है कि कस्टमर को सिर्फ एक बार चीज़ बेच दी जाए और एक बार बेच के जो है वो लोग समझते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कारोबार कर लिया। सो ये जो है वो मार्केटिंग जो है, जाहिर बात है जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ है ये चीज़। और जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कभी ऐसा नहीं कहती कि किसी भी तरह एक बार कस्टमर को जो है प्रोडक्ट बेच दी जाए। उनका मकसद यही होता है कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो, कस्टमर जो है वो बार बार आए, ट्रस्ट करें उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। क्योंकि जब वो बार बार आएगा और ट्रस्ट करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तो वो दूसरों को भी रेकमेंड करेगा, और साथ में वो खुद जो है जाहिर बात है जब कई बार एक प्रोडक्ट खरीदेगा या बहुत सी प्रोडक्ट खरीदेगा तो बहुत ज़्यादा वो जो है पैसा जो है वो एक तरह से आपको देगा, कंपनी को देगा वो। सो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कस्टमर की जो ज़रूरियात है उसको समझा जाए। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है बहुत सी सोर्सेज के थ्रू कस्टमर्स के बारे में, कस्टमर की नीड के बारे में। क्योंकि जाहिर बात है कस्टमर की नीड को जो है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है, और उस इंफॉर्मेशन को मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर की नीड के बारे में होती है वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। सो मार्केटर्स को ज़रूरत होती है कि वो अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको एग्जीक्यूट करें, जो भी फ्रेश इन्फॉर्मेशन है कस्टमर के बारे में उस हिसाब से फ्रेश जो हो, करंट इन्फॉर्मेशन जो हो। ये नहीं कि जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है 1 साल 10 साल पुरानी उसकी बुनियाद के ऊपर एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। क्योंकि सारी बातें वक्त के साथ साथ कस्टमर की नीड, वांट और डिमांड के अंदर फर्क आता रहता है। और आज का जो डायनेमिक और जो डिजिटल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग कॉमन है। सो कस्टमर जो है वो एक हिस्सा है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करने का, क्योंकि कस्टमर खुद जो है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर सोशल मीडिया साइट्स पर खास तौर पर कस्टमर जो है वो खुद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है अपने बारे में, अपना बायोडाटा, अपनी नीड्स के बारे में। सो कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कस्टमर की जो भी बायोडेटा है उसके बारे में जानने का और उनकी जो नीड्स हैं उनको जानने का। सो अक्सर आपने देखा होगा एड्स चल रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो भी आप सर्च करते हैं उसके मुताबिक या फिर जो आपकी नीड्स हैं उसके मुताबिक। सो कंपनी एक तरफ सोशल मीडिया का यूज़ करती है कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, दूसरी तरफ वो टारगेट भी कर रही होती हैं कस्टमर्स को सोशल मीडिया के ऊपर एड कैंपेन के थ्रू। सो जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर्ड हो जाती है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, और उसका इस्तेमाल किया जाता है टाइम बाय टाइम। मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं नीड्स के मुताबिक उनकी, ताकि डिसीजन ले सकें वेरियस मार्केटिंग कंसर्न्स के बारे में। सो जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो बेस करते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो कि मार्केटर्स कलेक्ट करते हैं अपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट से, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हिस्सा बन जाती है मार्केटिंग डेटाबेस का। और ये इंटरनल डेटा हेल्प करता है मार्केटर्स को कि वो फ्यूचर डिसीजन लें प्रोडक्ट के बारे में। और अगर बात की जाए एक्सटर्नल डेटा की तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस मदद करता है मार्केटर्स की बहुत से डिसीजंस के अंदर, जैसे कि सेल्स इंप्रूव करना, डेवलप करना, कस्टमर रिटेंशन कैपेबिलिटीज मॉनिटर करना, कॉम्पिटिटर्स के मूव को। मार्केटिंग रिसर्च क्या करती है, हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमाइज करने में, प्रॉफिट इंक्रीज करने में, सेल्स को बढ़ाने में, और ये जानने में कि क्या रीज़न है सेल्स के गिरने का, और असेस करना, इवेल्यूएट करना, जज करना जो फीडबैक है कस्टमर का बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले कस्टमर का फीडबैक जानना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केटर्स जो है वो गुजरते हैं जो प्रोसेस होता है मार्केटिंग रिसर्च का उससे, ताकि वो डिसीजन ले सके, और वो डिसीजन बेस करता है सिस्टमेटिक यानी कि सिस्टम के ऊपर बेस करता है, और लॉजिकल कंक्लूजन के ऊपर यानी कि जो मंतकी नतीजे हैं उसके ऊपर बेस करता है। सो मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट असेस करता है, इवेल्यूएट करता है, जज करता है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कस्टमर के बारे में, और वो गाइडलाइन हासिल करता है मार्केटिंग मैनेजर से और दूसरे इन्फॉर्मेशन यूजर्स से। सो मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है उस इन्फॉर्मेशन को मार्केटिंग एनवायरमेंट से, और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को मूव किया जाता है इंटरनल डेटाबेस में, मार्केटिंग इंटेलिजेंस में, मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के अंदर, ताकि
मालूमात का तजिया और इस्तेमाल किया जा सके। अब मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस जो होती है उसके स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप में क्या होता है कि प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं रिसर्च को उनको डिजाइन किया जाता है। मार्केटिंग प्रॉब्लम्स बहुत सी तरह की हो सकती हैं, जैसे कि नई प्रोडक्ट जो लॉन्च हुई है उस पर पॉजिटिव फीडबैक नहीं आ रहा है यूजर की तरफ से, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी वर्क नहीं कर रही है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक, कस्टमर जो है वो कंप्लेन कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, और कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्रोडक्ट को, और कौन सी डिफिकल्टीज जो है वो असिस्ट हुई हैं प्राइसिंग पॉलिसी की प्रोडक्ट की। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि रिसर्च प्लान जो है वो डेवलप किया जाता है ताकि कलेक्ट किया जाए इन्फॉर्मेशन को, और इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जा सकती है इंटरव्यूज के जरिए, सर्वेस के जरिए और पब्लिश मटेरियल के जरिए। थर्ड स्टेप में रिसर्च प्रोसेस के रिसर्च प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि हासिल किया जा सके, कलेक्ट किया जा सके और एनालाइज किया जा सके डेटा को। और लास्ट स्टेप में इंटरप्रिटेशन और जो फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी नताइज होते हैं, डिस्कवरी होती है, उसकी इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग की जाती है। सो फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट तरह की मुख्तलिफ तरह की जो है वो रिसर्च होती हैं और वो नेचर ऑफ स्टडी के मुताबिक होती है। सो रिसर्च जो है वो एक तरह की नहीं होती, कई तरह की रिसर्च होती हैं। जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो एक ऐसी रिसर्च होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऐसी प्रॉब्लम को जो कि क्लियरली डिफाइंड नहीं होती, वहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है जहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होती। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, ये उस तरह की रिसर्च होती है जो कि डिस्क्राइब करती है पॉपुलेशन को, सिचुएशन को या फिर फिनोमेना को जिसको स्टडी किया जा रहा होता है। और इसके अलावा कोजल रिसर्च होती है, कोजल रिसर्च जो है वो ऐसा रिसर्च मेथड होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान। सो जितनी भी तरह की रिसर्च आपको बताई गई हैं उन तमाम रिसर्च को करने के लिए मार्केटर्स जो है वो कलेक्ट करते हैं फर्स्ट हैंड या प्राइमरी इन्फॉर्मेशन बहुत से मेथड्स के जरिए, बहुत से तरीकों के जरिए, जैसे कि सर्वेज है, इंटरव्यूज है या एक्सपेरिमेंट के जरिए। और इसकी एक एग्जाम्पल दी गई है, अगर कंपनी ये चेक करना चाहती है कि कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का क्या रिस्पॉन्स है जो नई सॉफ्ट ड्रिंक उन्होंने लॉन्च की है उसके बारे में, सो ऐसी सिचुएशन में रिस्पॉन्स देखने के लिए कंपनी का जो स्टाफ होता है वो डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में जाता है जहाँ पे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल होती हैं, और इंटरव्यूज लेते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में कंज्यूमर्स से। सो इस तरह से कंपनी जो है वो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करती है, और इसके अलावा सेकेंडरी डेटा को भी कलेक्ट किया जाता है रिसर्च के अंदर। प्राइमरी डेटा कंपनी खुद कंज्यूमर से कलेक्ट करती है और सेकेंडरी डेटा में ऑलरेडी जो रिसर्च हुई होती है वो डेटा जो है वो देखा जाता है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ से डेटा हासिल किया जाता है, मैगजीन्स के जरिए हासिल किया जाता है, जर्नल्स के जरिए, और गवर्नमेंट के जो डेटाबेसेस होते हैं जो गवर्नमेंट डेटा प्रोवाइड करती है उन तमाम चीज़ों से जो है वो डेटा हासिल किया जाता है। सो डायरेक्टली अगर कंज्यूमर से कोई डेटा हासिल किया जा रहा है तो वो प्राइमरी डेटा या प्राइमरी रिसर्च होगी, और जो सेकेंडरी डेटा है वो हासिल किया जाएगा डिफरेंट सोर्सेस से, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स और गवर्नमेंट डेटाबेस से। सो इस तरह मार्केटर्स और मार्केटिंग की जो रिसर्च के अमल के बाद किसी भी मार्केटिंग के रुझान के बारे में मंतकी नतीजा तलाश करते हैं और जमाशुदा मालूमात को मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन डेटाबेस में भी महफूज कर सकते हैं। तो ये हुई थीम नंबर 4 कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।